हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मेरे छोटे भाई के बेटे का अन्न प्राशन है। 6 महीने में बच्चों को अन्न चखाया जाता है, तो हम वहीं जा रहे हैं और आपको शेयर करती हूँ आगे की सारी वीडियो। बने रहे मेरे वीडियो में आप। दोस्तों, हम पहुँच गए हैं अपने भाई के घर, मेरे मामा के बेटे के घर। तो ये है जिसने ब्राउन शर्ट पहनी, इसी के बेटे का अन्नप्राशन है। भाई का नाम है गोपाल शास्त्री। ये बहुत ही धार्मिक कार्यकर्ता है, सुंदरकांड भजन कीर्तन भागवत, बहुत ही अच्छा कथावाचक है। और ये है हमारी फैमिली। ये भैया हैं, दीदी की बेटिया, भैया का बेटा, मैं, मेरा भाई, आंटी जी हैं पड़ोस की, मम्मी जी हैं, इसके नाना जी और इसके फूफा जी जो कि गांव से आ रखे हैं। तो ये हमारी छोटी सी फैमिली है। थोड़ी सी यादगार के लिए हम लोग फोटो ले रहे हैं अभी। ये देखो, हमारा बेबी अभी सो रहा है। इससे हमने पूरा तैयार कर दिया है। बहुत ही सुंदर कुर्ता और धोती पहनाया है, बहुत प्यारा लग रहा है। पर अभी ये सो गया, थोड़ी देर में उठ जाएगा और फिर हम शुरू करेंगे। दोस्तों, जब तक हमारा बेबी सो रहा था तो हम लोगों ने थोड़ा डांस कर लिया। अभी जग चुका है तो आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। जो भी अन्नप्राशन के लिए ज़रूरी वस्तुएं होती हैं, इसके सामने रख दी है हमने। खाने की प्लेट सजा के रख दिए, पैन रख दिया है और पैसे रख दिए हैं। अब देखते हैं ये क्या चीज़ उठाता है। लड़कों का अन्नप्राशन 5वें महीने के बाद होता है, जब उन्हें 6वां महीना लगता है, और लड़कियों का अन्नप्राशन 1 महीने पहले होता है, 4 महीने पूरे होने के बाद, जब उन्हें 5वां महीना लगता है। क्योंकि लड़कियां सब चीज़ जल्दी जल्दी सीखती हैं, तो उनका अन्नप्राशन भी जल्दी होता है। तो देखते हैं हमारा बेबी क्या उठाएगा। ऐसी मान्यता है कि जो वस्तु बच्चा उठाता है, उसी वस्तु की ओर जीवन भर उसका ध्यान ज़्यादा रहता है। तो हम ही सब लोग तैयार हैं, बहुत ही एक्साइटेड हैं कि हमारा बच्चा क्या उठाएगा। हम तो चाहते हैं कि पेन या लक्ष्मी माता जी में से एक चीज़ को उठाए। और ऐसी मान्यता है कि बुआ ही अन्नप्राशन कराती है। तो मैं और दीदी हैं यहाँ पे,
जो कि इसे आज सबसे पहले अंच खाएंगे, बाकी उसके बाद फिर सारी फैमिली भी अंच खाएगी। पहले सबसे पहले शुरुआत मैं करूंगी और दीदी बड़ा ही सुंदर माहौल है, सभी फैमिली गेट टुगेदर हुई है। भैया आसाम से आए हुए हैं तो इसी बीच हमने अन्नप्राशन का रखा है और बहुत अच्छा लग रहा है, बस शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इतना छोटा बेबी इतने सालों बाद देखने को मिला है और ये बहुत ही प्यारा है, इतना क्यूट है, हमेशा हंसता मुस्कराते रहता है, बिल्कुल रोता है नहीं, ये इसकी खूबी है, इसलिए इसके साथ तो मज़ा ही आता है। और अब हमने माधव को छोड़ दिया है नीचे, देखते हैं माधव क्या उठाता है। अभी इतने सारे लोगों को देखे हैं ना, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कंफ्यूज हो गया क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, इतने सारे लोग एक साथ नहीं देखे उसने। वैसे तो सबके साथ बहुत अच्छे से रह लेता है और अभी अच्छे से जानता नहीं है चलना, तो बस सभी लोगों को देखा जा रहा है, लोगों को बस देखा जा रहा है, सोच रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, चलिए देखते हैं आगे। देखो देखने में लगा हुआ है बस। माधव का पूरा ध्यान फोन की ओर है, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इसीलिए। आजकल के बच्चे तो वैसे भी आप लोगों को पता ही है, सबसे पहले फोन ही देखते हैं, वही बस ये इन्हीं का जमाना है, फोन का, फोन चलाने का, फोन देखने का। सबसे ज़्यादा बच्चों को फ़ोन ही पसंद होता है। अब हमने माधव को भिटा दिया है क्योंकि लेटे लेटे थक गया था। बस इसकी शक्ल को देख के ऐसे ही लग रहा है कि सरप्राइज है, सबको देखे जा रहा है। वैसे बहुत शैतानी करता है, आज कुछ भी नहीं कर रहा, तो दीदी ने इसे पेन और पैसे पकड़ा दिए हैं, अब देखना ये क्या पकड़ता है। और ये देखिए माधव ने पैसे पकड़ लिए हैं, पेन को छोड़ दिया है। अब इसका मतलब है कि ये फ्यूचर में बहुत सारे पैसे कमाएगा। अब बड़े भैया चखा रहे हैं भोजन इसे, और बड़े भैया ने थोड़ा थोड़ा सब कुछ चखा दिया, ऐसे नमक भी चखा दिया, मीठा भी चखा दिया। अब माधव की दादी जी उसे अन्न चखा रही हैं।
अब माधव के नाना जी इसे अनचखा रहे हैं। माधव तो बहुत ही खुश है अपने अन्नप्राशन के दिन। इसको पता नहीं कैसे मालूम है कि सारे पकवान इसी के लिए बने और सबके हाथ से चख रहा है। ये कमाल की बात है, सबके हाथ से कुछ ना कुछ खा रहा है तो वो एंजॉय कर रहा है अपने अन्नप्राशन को। माधव के फूफा जी से अनचखा रहे हैं, ये गांव से आए हैं। अब मेरे हस्बैंड यानी माधव के फूफा जी इसे अनचखा रहे हैं और अब मैं भी आ गई हूँ। माधव तो बहुत खुश है, सबके हाथ से खाए जा रहा है। वाह, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब हमारी लाडली बिटिया रिया जी अनचखा रही हैं बेटे को। अब हमारे भैया की बिटिया राजसी खिला रही हैं। तुमने खिला दिया? और अब हमारी प्यारी प्यारी भाभी अनचखाएंगी मुन्ना को। बोल सच्चे दरबार की। अब मेरी बुआ अनचखा रही, मतलब कि बुआ की भी बुआ अनचखा रही है। दोस्तों हमारे बेटों को तो सारे परिवार का आशीर्वाद मिल गया और आप लोगों से भी मैं निवेदन करती हूँ कि आप भी बच्चे को ढेर सारा आशीर्वाद देना और कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ बच्चे के लिए लिखिएगा, क्योंकि अनप्राशन की वीडियो बहुत रेयरली कोई डालता है और बड़े
सौभाग्य से हमें ये मौका मिला है। आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे बच्चे को आशीर्वाद दें। दोस्तों, अब हम सब की भी खाने की बारी आ गई है। सभी बच्चे भोजन कर रहे हैं। छोटे बच्चे का अन्नप्राशन तो हो ही गया है, काफ़ी टाइम भी हो गया है सुबह से, सभी को भूख भी लग गई है, तो अब हम सब भी भोजन का आनंद लेते हैं। भोजन भी काफ़ी स्वादिष्ट बना है, सभी लोग बड़े आनंद से भोजन कर रहे हैं और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना है। मज़ा आ गया भोजन करके। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल में न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तो गाइस, मेरी मम्मी है, इसे लाइक सब्सक्राइब कर दो।